Hello friend, you are welcome in my channel preparation for future and today is topic reproduction. What is the reproduction or procreation or breeding? In Savka means AGA. Reproduction means new spring produced from their parents. So let's we start reproduction. Reproduction is the Biological process by which new offspring produce from their parents. Types of reproduction. तो रिप्रोडक्शन के कितने टाइम है टू टाइप्स फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड एसेक्सुअलोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग और न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूज बाय इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ ए गैमिट्स ऑफ ए गैमिट्स इट मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फ्यूज़न होता है गैमिट्स का गैमिट्स होते हैं एग सेल और स्पम एंड व्हाट इज द एग सेल एग सेल कम फ्रॉम द फीमेल बॉडी एंड स्पम कम फ्रॉम द मेल बॉडी स्पम है वो एग के पास जाकर के फ्यूज़ हो जाते हैं और फॉर्मेशन होता है जाइगोट का इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं उस रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफ स्प्रिंग द ऑफ स्प्रिंग कैन प्रोड्यूज विदाउट इन्वॉल्व विदाउट इन्वॉल्व द फ्यूजन विदाउट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स यानी कि जो ए सेक्स वाले प्रोडक्शन होता है उसमें कोई भी फ्यूजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता यानी ये जरूरी नहीं है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों की बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो ये सिर्फ एक ही बॉडी से प्रोड्यूस हो जाते हैं इसलिए इसको बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि बडिंग बडिंग जो बडिंग होती है वो होती है जैसे इष्ट में इसकी एक सेल से ही और बहुत सारी सेलें प्रोड्यूस हो जाती हैं और नेक्स्ट है हाइड्रा जो ईस्ट और हाइड्रा है वो बडिंग रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है इसमें क्या होता है कि जो एक ही सेल होती है वो ही बड़िंग के थ्रू न्यू स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देती है इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट है, है इसमें क्या होता है कि जो इस्टेम या रूट वो प्रोड्यूस करती हैं न्यू स्प्रिंग को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन्स मीन्स होता है जैसे प्लांट हैं तो उनके जो स्टेम और रूट होती हैं उनसे न्यू स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है जैसे शुगर कैन सुगर कैन का स्टेम होता है उससे एक न्यू स्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाती है नेक्स्ट है पटैटो पटैटो एग्जाम्पल है स्टेम का फीजन में क्या होता है कि जो एक ही सेल है वो डिवाइड हो जाती है और दो सेलों में जैसे एग्जाम्पल है अमीवा अमीवा एक यूनि ऑर्गेनिज्म है और ये न्यू स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है यानी कि इसकी एक सेल दो सेलों में दो डोटो सेलों में कन्वर्ट हो जाती है इस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फीजन रिप्रोडक्शन तो बड़ी वेजिटेटिव एंड फ्यूजन दीज आर एक्जाम्पल ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन